नमस्कार दोस्तों, जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही थी, उद्धव ठाकरे की सरकार में और पूरे राज्य में सियासी भूचाल आ चुका है। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि स्थितियां ऐसी बन रही हैं और वही बात सामने आ भी गई है। जो चिट्ठी परमवीर सिंह ने सरकार को लिखी थी, उस पे पहले तो कई तरह की बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने स्वयं इस बात को कह ही दिया है, तो उसके बाद से पूरे राज्य में सियासी भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई परमवीर की चिट्ठी के बाद सारे नए डेवलपमेंट हो गए हैं। इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के दो बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी शामिल होंगे। एनसीपी नेताओं के बीच अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर के ये भी चर्चा हो रही है कि उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग इस समय काफी तेजी पकड़ रही है। इसी बीच परमवीर सिंह ने यह भी कह दिया है कि ये चिट्ठी है, मैंने ही लिखी है, ये चिट्ठी पूरी तरह से सही है, उसे मेरी ही आईडी से भेजा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस चिट्ठी की सत्यता पे ही सवाल उठाया जा रहा था, संदेह जताया जा रहा था कि ये चिट्ठी जो है परमवीर के इस पे साइन नहीं है, ये उनकी आईडी जो ऑफिशियल आईडी उससे नहीं भेजी गई है। और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं और मामला काफी संगीन होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन वजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था। उन्होंने वजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा हुआ था। इन सब शिकायतों को लेकर के परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसी चिट्ठी पे बवाल हो रहा है और उसी चिट्ठी के आधार पे कई सारी नई बातें सामने आ रही हैं। इधर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि परमवीर खुद को बचाने के लिए उन पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने परमवीर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करने की बात कह दी है। दूसरी तरफ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और मनसे नेता राज ठाकरे ने गृह मंत्री देशमुख से इस्तीफा मांगा है। चिट्ठी में परमवीर ने क्या लिखा है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे को कई बार अपने आधिकारिक बंगले ज्ञानेश्वर पे बुलाया और फंड कलेक्ट करने के लिए आदेश दिए। उन्होंने ये पैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पे जमा कराने के लिए कहा। इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां मौजूद रहते थे और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए, हर महीने 100 रुपए जमा कराने का टारगेट दिया हुआ था। दोस्तों, ये थी सारी खबर। इससे जुड़ी हुई और कई सारे अपडेट शाम तक आ सकते हैं, क्योंकि ये मामला इस समय पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इसमें दिल्ली के दो बड़े नेताओं को भी दिल्ली में दो बड़े नेताओं को भी पार्टी की ओर से जो है तलब किया गया है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में राय भी दे सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।